नमस्ते, वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज की किचन में आपका स्वागत है। हम लोग साउथ इंडियन रेसिपीज की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए आज बनाना सीखेंगे उत्तपम। हम उत्तपम डोसा बैटर से ही बनाते हैं। आज हम मैं आपको 4 वेरिएशन दिखाऊंगी, आप अलग अलग टाइप के उत्तपम कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। डोसा बनाने के लिए हमने 3 कप चावल में 1/4 कप चना दाल लिए है, और उड़द की दाल उसमें हमने 1 टीस्पून मेथी दाना डाला हुआ है। दोनों को हमने अच्छे से पानी में 5-6 घंटे भिगो के रखा है। अब उसमें एक्सेस पानी निकाल के हम उसको दोनों चीज़ों को मिला के उसमें 3 चम्मच चावल और 1 चम्मच उड़द की दाल डाल के हम ब्लेंडर में उसको अच्छे से पीस के उसका महीन बैटर बना लेंगे। पीसते वक्त आपको थोड़ा सा फ्रेश पानी भी डालना है उसमें। अब हमारा ये बैटर तैयार है, हम इसको रात भर फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। रात भर फर्मेंट होने के बाद हमारा ये बैटर तैयार है, बहुत अच्छे से फ्लफी बन चुका है हमारा ये बैटर। अलग अलग टाइप के उत्तपम बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें लगेगी। डोसा बैटर, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, ग्रेट किया हुआ गाजर, हरा धनिया, हरी मिर्चे बारीक कटी हुई, ये हमने एक शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई, टमाटर, और हमें कुछ सूखे मसाले लगेंगे। ये हमने लिया है चाट मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और हमें तेल भी लगेगा उत्तपम बनाने के लिए। ये डोसा बैटर में मैंने अभी नमक नहीं डाला है, मैं फर्मेंट करते वक्त इसमें नमक नहीं डालती हूँ। अभी इतना बैटर मुझे यूज़ करना है अभी, तो इसमें मैं सबसे पहले नमक मिला लूँगी अपने अंदाज से। लगभग 2 से 3 टीस्पून मुझे नमक लगेगा यहाँ पर। अच्छे से मिक्स करूंगी। चलिए उत्तपम बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी अनियन उत्तपम। उसके लिए अभी एक छोटे अलग से बोल में, अगर मुझे एक बनाना है तो मैं 2 लाडल भर के ये बैटर लूंगी, अगर ज़्यादा बनाना है तो उस हिसाब से मैं अपना ये बैटर लूंगी। इसमें मैं डालूंगी ये प्याज, इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने अभी यहाँ पे 2 टेबलस्पून प्याज डाले हैं, आप अपना हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं ये बैटर के अंदर भी प्याज डालती हूँ क्योंकि ये पक जाते हैं और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी ये बैटर तैयार है अनियन उत्तपम के लिए। अब हम पैन गरम कर लेंगे, उसके ऊपर डालेंगे हम लोग तेल। पैन अच्छे से गर्म हो गया है, अब उसके ऊपर मैं डालूंगी बैटर जिसमें मैंने अनियन अंदर भी मिलाया है। कुछ लोग अंदर अनियन मिलाते नहीं हैं, वो भी चलता है, वो आपकी चॉइस है। और हमें इसको फैलाना है, उत्तपम थोड़ा मोटा ही होता है, इसे ठीक रखना है, और ऊपर से भी हम लोग थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे कुछ हरी मिर्चें और चुटकी पर नमक ऊपर से फैला देंगे। अब हम ये प्याज और मिर्ची को अच्छे से दबा देंगे ताकि जब हम इसको फ्लिप करेंगे, इसको पलटाएंगे, तब वो निकल ना जाए। ऊपर से भी थोड़ा सा तेल डालेंगे। अभी नीचे से पक चुका है, हम लोग इसको फ्लिप कर देंगे। 1 या 2 मिनट के लिए हम नीचे से भी पकाएंगे ताकि वो जो प्याज हमने ऊपर से डाले थे वो थोड़ी क्रंची हो जाए। अब 1-2 मिनट पकाने के बाद फिर से इसको पलट के देखते हैं। देखिए अभी इस साइड से भी ये पक गया है,
और ऐसे तैयार हो गया हमारा अनियन उत्तपम। इसे किसी भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे टमाटर उत्तपम। इसके लिए मैंने ये बैटर अलग से ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा नमक डालूंगी। ये बेसन में भी आप मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं टमाटर नहीं डालूंगी, टमाटर मुझे सिर्फ ऊपर से ही डालने हैं। पैन गरम है, थोड़ा तेल डालते हैं। मोटा मोटा फैला लीजिए। और इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ टमाटर। टमाटर का स्वाद थोड़ा सा माइल्ड होता है तो इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च ऊपर से डालूंगी। चाहे तो आप थोड़ी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी डाल लेते हैं ताकि स्पाइसीनेस आ जाए। और चुटकी भर नमक ऊपर से। अब ये टमाटर को अच्छे से अंदर दबा दीजिए। मीडियम आंच पे थोड़ी देर पकने दीजिए। नीचे ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल सकते हैं इसमें। हरा धनिया तो वैसे आप हर उत्तपम में डाल सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा दबा देंगे। और अभी डालेंगे उस ऊपर से तेल। हम लोग इसको पलटा कर ऊपर की साइड से भी पका लेंगे। बस इसे एक मिनट के लिए पकाना है हमें। इसे पलट कर देखिए, ये हमारा टमाटर उत्तपम तैयार है। मिक्स वेज उत्तपम बनाएंगे। इसके लिए ये थोड़े से टमाटर है मेरे पास। मैं इसमें डालूंगी कुछ गाजर। हमने शिमला मिर्च ली है, पत्ता गोभी, हरी मिर्चें और हरा धनिया। मैंने अपने चॉइस की वेजिटेबल्स यहाँ पे यूज की है। आप चाहे तो कोई और भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे आप मटर ले सकते हैं, इसमें आप गोभी ले सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी हमारा ये वेजिटेबल घोल तैयार है। अभी हम उत्तपम बनाएंगे। पैन पे कुछ तेल डाल लेते हैं। अब ये डोसा बैटर, और साथ में हमने जो सब्जियां मिक्स की हैं वो डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अपनी चॉइस की सब्जियां यहाँ पर डाल सकते हैं। आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं और हम पनीर और चीज़ के साथ भी ये बना सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा सा पनीर भी आप डाल सकते हैं इसमें। बहुत प्यारा मज़े का बनता है वो उत्तपम। इसको थोड़ा सा दबा देंगे और थोड़ा सा पकने के बाद अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको पलटा के ये सब्जियां थोड़ी क्रंची होने तक हमें इसे पकाना है। अब इसे एक बार पलट के देखते हैं। ये हमारा मिक्स वेजिटेबल उत्तपम तैयार है। अब हम मसाला उत्तपम बनाएंगे। इसके लिए मैं ये बैटर में कुछ मसाले डालूंगी। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आप तीखा चाहते हैं उस हिसाब से। ये मैंने चाट मसाला लिया है और इन मसालों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक हम डालेंगे। बैटर में ऑलरेडी नमक है, एकदम मसालेदार दिख रहा है ना इस। और इसमें मैं अंदर ही थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, मुझे अच्छा लगता है ये, आप चाहे तो ना डालें। अब हम डालेंगे तेल।
एक बार पलट के देखते हैं। वाव, मुझे आशा है आपको ये चार तरह के उत्तपम अच्छे लगेंगे। इन चारों के अलावा आप अनेक वेरिएशंस बना सकते हैं, जैसे आप पनीर के साथ बना सकते हैं, चीज़ के साथ बना सकते हैं, और कोई भी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो उसके साथ बना सकते हैं। मैं कभी कभी अंडे के साथ भी उत्तपम बनाती हूँ, उत्तपम के ऊपर एक अंडे का लेयर डाल के मैं वैसे बनाती हूँ। आप भी ट्राई कीजिए, और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।